इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा करने की प्रतिबद्धता के साथ पिछले 5-7 वर्षों में जो कार्य हुआ है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा ये बलरामपुर जनपद और श्रावस्ती जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। एक और मां पाटेश्वरी की कृपा, आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बरसती है। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए देवीपाटन तुलसीपुर में आते हैं। और दूसरी ओर जब हम श्रावस्ती की चर्चा करते हैं तो श्रावस्ती का इतिहास जुड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश से, लव से, जिन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, 10वीं-11वीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदि शक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सही कार्यक्रम आगे बढ़ सके, आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदि शक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का एक महत्व है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी। और इसी धरती का महत्व है, सदैव अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन की बात होती है तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हर भारतवासी के मुंह पे सहसा ही आ पड़ता है। ये धरती प्रारंभ से ही पुरुषार्थ की धरती रही है, ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का प्राधिकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, गिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए हर सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है
और गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था, वह स्वर था विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना है।